में हम देखते हैं ज़्यादातर गाँव में कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, खेती के कामकाज में कहीं लग जाते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि कौन कौन से बच्चे लगातार अनुपस्थित हैं। हमने उनके माता पिता अभिभावकों से संपर्क किया, उनके लिए उनको स्कूल में लाने के लिए मनोरंजन शिक्षा को हमने योगदान दिया, स्कूल में जोड़ा, क्योंकि बच्चे जब आनंद मिलेगा तभी स्कूल आएंगे। हमने कक्षा में टीवी की व्यवस्था की पहली दूसरी में, और कई प्रकार की सीढ़ियाँ लाई ताकि बच्चों का मनोरंजन होने लगा और वो नियमित रूप से स्कूल आने लगे। में क्या केवल उनका मनोरंजन होता है या वो उसमें उसके माध्यम से आप कुछ? सर वो ज्ञानवर्धक सीढ़ियाँ होती है, जैसे हिंदी वर्णमाला एक हम उनको बोर्ड पे लिखा के सिखाते हैं, एक वो देख के सुन के, और टीवी में चित्र फल जैसे एप्पल है तो उसका चित्र देख लिया उन्होंने, तो उनके तारतम्यता हो जाती है, वो पहचान जल्दी सकते हैं और सीखने में उनको आसानी रहती है। कंप्यूटर का उपयोग भी करते हैं आप? जी सर, कंप्यूटर का भी करते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था है? इंटरनेट से हम कोई भी चीज़ उनके लिए डाउनलोड करके पेन ड्राइव के द्वारा टीवी में उनको दिखाते हैं, कोई भी पहली दूसरी या दूसरी क्लासों के लिए। टीचर्स ऑफ इंडिया जो पोर्टल है उसका कभी आपने उपयोग किया है? जी एक बार देखा था, वहाँ पे आठवीं क्लास में एक दो पार्ट थे तो उनके जो सामग्री थे वो हमने इसमें से डाउनलोड की और बच्चों को दिखाया। सब पहले तो हम बच्चों का नियमित रूप से होमवर्क चेक करते हैं, उनका टेस्ट भी लिया जाता है, साप्ताहिक टेस्ट। इसके अलावा अभिभावकों से नियमित संपर्क किया जा रहा है। हमने कक्षा आठवीं के 8 छात्र लेकर एक टीम बनाई है, 10-10 बच्चे एक ग्रुप में, और पूरे गांव में वो गतिविधियाँ करते हैं नियमित रूप से। 1 घंटा कई मंदिर या आसपास उनके स्थान जो निश्चित होते हैं वहाँ वो जाते हैं और हिंदी वर्णमाला उच्चारण एप्लीकेशन मीनिंग आदि का उच्चारण करते हैं, और दूसरे जो छोटे बच्चे उनको भी सिखाते हैं, और प्रधानाध्यापक जी जो उसी गांव में रहते हैं वो समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और हम भी उनको सेव करते हैं। अभिभावकों से भी नियमित रूप से संपर्क किया जाता है, सप्ताह में 1-2 दिन हम उनके किसी एक या दो परिवारों में जाकर उनसे संपर्क भी करते हैं। विभिन्न अवसरों पर हम उनको SMS के माध्यम से भी जुड़ते रहते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और ईमेल भी करते हैं। किसी के अभिभावक दिल्ली बॉम्बे हैं और वहाँ नेट का यूज़ करते हैं तो हम सोशल नेटवर्किंग का भी यूज़ करते हैं। विद्यालय की फेसबुक भी बनी हुई है और ईमेल ID भी बनी हुई है। अच्छा, नियमित रूप से हम जो 26 जनवरी 15 अगस्त के जो कार्यक्रम है या और भी गतिविधियों के वो फेसबुक पर डाउनलोड कर देते हैं, तो उनके रिश्तेदार है जो अन्यत्र होते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे आपके यहाँ जिनके माँ बाप या अभिभावक जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं? जी सर, हमारे गांव में 8 लोगों के पास तो नेट यूज़ करते हैं, और बाकी उनके जो रिश्तेदार हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं वो भी वहाँ यूज़ करते हैं, उनका फीडबैक हमको मिलता रहता है। मोबाइल, जैसे आपने कहा कि आप SMS पे उनको संदेश भेजते हैं या उनसे संपर्क करने का आप तरीका है, तो आप किस भाषा में लिखते हैं उसमें? सर ऐसा है, हम हिंदी में यूज़ करते हैं क्योंकि कई देवनागरी स्क्रिप्ट में। हाँ, क्योंकि सर वहाँ जो परिवार है वो गरीब खेती मजदूर ज़्यादा होते हैं गाँव में, वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो 3री-4थी का बालक है तो वो भी वो SMS पढ़ के उनको समझा सकता है कि स्कूल से ये मैसेज भेजा और आपको याद किया है।